आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा एक कंजंक्शन सो दैट जो कि यूज होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। सबसे पहले हम सेंटेंस यूज करते हैं, फिर उसके बाद ये सो दैट कंजंक्शन यूज करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो कि यूजुअली मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस होता है उसके अंदर हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें पहला सेंटेंस एक्शन का बताता है और फिर हम ये कंजंक्शन यूज करते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस जो कि ये बताता है कि ये पहला एक्शन क्यों हुआ, किस लिए हुआ। जैसे कि सलमान बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है ताकि वो घर खरीद सके। सलमान wants to earn lots of money so that he can buy a house। आपने देखा कि पहले सेंटेंस में एक्शन की बात हुई कि सलमान बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है, फिर हमने सो दैट यूज किया जो कि एक कंजंक्शन है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस, इसने ये बताया कि पहला एक्शन क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को पॉज करें और समझने की कोशिश करें। और सो दैट के जो उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं उनमें ज्यादातर ताके या तो इसलिए आता है। और आपने एक बात का ख्याल रखना है, ये कंजंक्शन है सो और दैट, ठीक है, ये एक साथ ही आते हैं। और अगर सो दैट के बीच में कोई और वर्ड आए तो उसका यूज अलग होता है और उसका मतलब भी अलग होता है, ठीक है। तो चलें अब सो दैट की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप सो दैट को सही तरीके से यूज कर सकें। और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप इस वीडियो में कुछ न्यू वोकैबुलरीज एंड सेंटेंसेस सीख सकेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। आमिर इतना नाराज है इसलिए वो आपके साथ बात करना कबूल नहीं करेगा। आमिर इज सो एंग्री सो दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट टू टॉक विथ यू। आमिर इज सो एंग्री सो दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट टू टॉक विथ यू। वो तुम्हारी मदद करती है ताकि तुम उसकी मदद करो। She helps you so that you may help her. She helps you so that you may help her. इसने तेजी से गाड़ी चलाई ताकि ये बर वक्त एयरपोर्ट पर पहुंच सके। He drove fast so that he could reach the airport in time. He drove fast so that he could reach the airport in time. या तो आप might भी यूज कर सकते हैं। He drove fast so that he might reach the airport in time. English सीखो ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। Learn English so that you can get good job. Learn English so that you can get good job. Institute में सबके साथ English बोलने की कोशिश करो ताकि तुम रवानी से English बोल सको। Try to speak English with everyone in institute so that you can speak English fluently. Try to speak English with everyone in institute so that you can speak English fluently. उसने मुझे अपना नंबर नहीं दिया इसलिए मैं उसे कॉल नहीं कर सका। She didn't give me her number so that I couldn't call her. She didn't give me her number so that I couldn't call her. इतनी देर हो गई इसलिए हम पार्क नहीं जा सकते। It is too late so that we cannot go to the park. It is too late so that we cannot go to the park. आइए सिनेमा में जल्दी चलें ताकि हमें अच्छी सीटें मिल सके। Let's go to the cinema early so that we can get good seats. Let's go to the cinema early so that we can get good seats. पैसे जमा करो ताकि तुम एक बाइक खरीद सको। Save the money so that you can buy a bike. Save the money so that you can buy a bike. वो मुझसे बात नहीं करती इसलिए मैं उसके घर नहीं जाता या जाती, ठीक है। She doesn't talk to me so that I don't go to her home. She doesn't talk to me so that I don't go to her home. अब आपकी बारी है, आपने एक सेंटेंस सो दैट का कमेंट बॉक्स में लिखना है और अगर आपके सेंटेंस में कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको रिप्लाई करके जरूर बताऊंगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बराबर में मौजूद बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।